मंदिरा, तूने बर्थडे के लिए ड्रेस तो लाया है ना? हाँ लाया है ना तूने? मैंने भी लाया, दिखा। ये देख, कल ही खरीदी है मार्केट से कोमो के बर्थडे के लिए। वाह बहुत ही अच्छा है, ये देख ये मैं पहनूंगी। चल चल रेडी होते वरना कोमो हमसे गुस्सा हो जाएगी। हाँ, चल, चल, चल। जल्दी करना राखी। हाँ हाँ हो गया। ओ टाइम, चल चल चल। ये डर लगता है अपना मुझको, अब कौन कहेगा तू ही वजह। ये तेल चक्का यहाँ क्या कर रहा है? राखी प्लीज आज के दिन झगड़ा मत करना। ये तो तुझे छोडूंगी नहीं, तुझे भी नहीं छोडूंगा मैं, तुझे भी मैं नहीं छोडूंगा। छिपकली छोड़ मुझे, छोड़ छिपकली। चिल्लाने का आवाज है ना, लगता है छोड़ छिपकली से चला लगे। चल रहा है, छोडूंगी नहीं, छोड़ छोड़ छिपकली छोड़। तू चोर उठा तो कौन हंसेगा? राहुल तुम लोग क्या हमेशा कुत्तों बिल्ली जैसी लड़ते रहते हो? पहले तूने दोस्त ने स्टेट किया, मैंने नहीं। अब वो चली गई, अब तुम चुप हो जाओ। तू चुप है तो ये डर लगता है। कोमो पहले तू मेरे साथ आ जा। क्या हुआ है, कहाँ है? अरे हुआ क्या है, बोल तो सही। पहले तू मुझे ये बता, ये तेल चट्टा यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे तो पता है वो मेरा दोस्त है। और शायद तू ये भूल गई है कि वो मेरा दुश्मन है। अरे राखी आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन प्लीज कुछ मत कर। अब चल जल्दी केक भी काटना है। चल केक काट, पहले मुझे। पहले मुझे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, पहले मुझे। मैं भी तो तेरा फ्रेंड हूँ ना। मैं इसका बेस्ट फ्रेंड। अरे चुप्पल। अरे मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। अबे चल चुप्पल, ज़्यादा क्या करने का? मेरे चोर। बस कर तुम लोग। ये लो मंदिरा। किसी नहीं के। तुम दोनों आज के दिन भी लड़ रहे हो, आज मेरा बर्थडे है गाइस। चलो आप केक खाओ। तू मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है? मंदिरा कोमलिका दिखाई नहीं दे रही, कोमलिका कहाँ है? कोमलिका? अरे वो तो उधर राहुल के साथ बैठी हुई थी। क्या कोमलिका राहुल के साथ बैठी हुई है? हाँ। ये कोमलिका ना कुछ आजकल ज्यादा ही राहुल राहुल कर रही है, चल तो मेरे साथ। वाह मस्त है यार ये फोन, कितने में लिया राहुल ये फोन? 26,000 में, अच्छा है ना? हाँ इसका स्टोरेज 64 GB है क्या? पागल है क्या, 128 GB का है। कैमरा भी तो मस्त है यार। वो रही कोमलिका, चल। कोमलिका तू यहाँ क्या कर रही है इस तेल चट्टे के साथ? तुझे तो। अरे राखी राहुल ने न्यू फोन लिया है ना, मैं वही देख रही थी। मुझे तुझसे कुछ काम है, चल मेरे साथ। तू अभी जा, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं भी आज के आज जाके फोन खरीदूंगी राहुल से अच्छा वाला। चल मंदिरा ये देख मेरा न्यू फोन, दिखा। अरे यार राखी तेरा फोन तो राहुल से भी मस्त है। हाँ 30,000 में खरीदा है मैंने, और वो राहुल ने कितने में खरीदा था? 26 शायद। तो मेरा ही अच्छा होगा ना? राखी तू मेरा कल की बातों के लिए बुरा मान गई क्या? अरे क्या करूँ बोल, राहुल भी तो मेरा दोस्त है ना। हाँ मुझे पता है राहुल तेरा फ्रेंड है, पर मैं कौन हूँ? अरे तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चलो गाइस मैं अभी राहुल को ये फोन दिखा के आती हूँ। मुझे पता है तू राहुल का अपना दोस्त नहीं मानता है, तू उसे लाइक करती है, तू उसे बोल क्यों नहीं देती? अरे चुप करना, कोई सुन लेगा। यहाँ पर तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। तू राहुल को बोल क्यों नहीं देता, या फिर मैं बोल दूँ? अरे सही टाइम आने पर मैं राहुल को बोल दूंगी। पक्का ना? हाँ यार पक्का। लोगों को लगता है कि सिर्फ वही फोन खरीद सकते हैं, पर उसे क्या पता हमने उससे भी अच्छा फोन खरीदा है। ओ छिपकली तू ये किसे सुना रही है? क्यों तुझे क्या लगा कि मैं तुझे सुना रही हूँ? नहीं तो चल अपने रास्ते निकल। मैं जा ही रहा था, तू जो इतना गला फड़ के चिल्ला रही थी मेरे कान में से दर्द हो रहा था। अगर दर्द हो रहा था तो अपने कानों में ड्रॉप लगा ले, बड़ा आया तेल चट्टा। ओ गॉड ये छिपकली तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। पापा ने तो मुझे शर्मा अंकल को कॉल करने बोला था, आज पूजा है ना, शर्मा अंकल का नंबर है या नहीं? यार नंबर नहीं मिल रहा। 91 या 98 92 91 होगा, लास्ट का नंबर क्या था यार? 91 98 91 ही होगा।
मस्त कलर है ना कोमो। इसके बाद मैं लगाऊंगी। हाँ ठीक है। इसका ये सिम तो पापा का है, किसका फोन उठाओ ना उठाओ। हेलो अंकल, आज हमारा घर में पूजा है, पापा ने आपको बुलाया है। हेलो, अभी तो पापा नहीं है, बाद में फोन करिए। हाँ जल्दी जल्दी, मैं भी लगाने वाली हूँ तो जल्दी करना। हो गया, नहीं लगता। ये लड़की कौन थी? पर शर्मांगल का तो कोई बेटी नहीं है। शर्मांगल तो कल पूजा पे आए थे और अंकल बोला था पापा ने कॉल किया, पर मैं जिसको कॉल किया वो कौन था? एक बार कॉल करके देखूं। नहीं नहीं, कड़ी लेता हूँ। ये तो कल वाला नंबर है। हेलो, कल मैं आपको कॉल किया था, गलती से रॉन्ग नंबर पे डायल हो गया। ओ हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी, और आपका? मेरा नाम राजा है। वैसे आप कहाँ से हो? मैं दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। मैं सिलीगुड़ी से हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा, कभी सिलीगुड़ी में आओ ना, मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं। हाँ जी, अभी मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ ओके। लड़की का वॉइस बहुत स्वीट था यार। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें 2 मिनट बाद फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ओके। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। यार 2 मिनट तो हो गया, रानी को कॉल करता हूँ। रानी तूने अच्छा ही किया कॉल कट के, अरे रास्ते पे एक छिपकली आ गया था। छिपकली? तुम भी ना राजा। पता नहीं ये राखी अभी तक आई क्यों नहीं, और कुछ दिन से वो बहुत लेट आ रही है स्कूल, और कहीं खुई खुई सी रहती है। हाँ मैंने भी नोटिस की है, और अकेले में हंसती रहती है, पता नहीं उसे हो क्या गई है। मंदिरा और कोमलिका, अब मैं इसे झूठ कैसे बोलूं? सुनो ना राजा, मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ मैं थोड़ा मंदिर आई हूँ ना, शाम को बात करते हैं। हाँ ओके बाय। तो अब आ रही है, टाइम देखिए कितना हो रहा है, और कुछ दिन से तू इतना लेट क्यों आ रही है स्कूल? अरे कोमो मत पूछ, मेरा बहुत तबीयत खराब था पता है, मैं फिर भी स्कूल आई हूँ। चल अब चलते हैं। गुड मॉर्निंग कोमो। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कोमो, अब तू हमें भूलने वाली है इस तेल चट्टा की वजह से। क्लास में मिलते हैं। ये छिपकली कुछ ज्यादा ही बोलती है, ये तेरा दोस्त है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता। रानी एक महीना हो गया है हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्यों ना हम संडे को फुलबड़ी पार्क में मिल सकते हैं? जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नहीं के। ओके मैं सिलीगुड़ी आ रही हूँ। तू पागल है, तू तो सिलीगुड़ी में ही है, तो कौन सा सिलीगुड़ी जाने वाली है संडे? अरे ये सब छोड़ना, मेरे जाने से फाइनली मैं आज अपनी रानी से मिलूंगा। पता नहीं कैसी दिखती होगी वो, मैं कितने बार बोला एक फोटो भेजो पर उसने भेजा ही नहीं, बस कुछ ही वक्त वो आने ही वाला है। आज मैं राजा को सब सच सच बोलूंगी, बहुत झूठ हो गया। लगता है यही है राजा। रानी छिपकली तू रानी तेल चट्टा, तू राजा। ओ गॉड, फिर से। मतलब पिछले 1 महीने से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ फूटी किस्मत मेरी, बढ़िया ही रानी, और बोलते दार्जिलिंग से। चल अरे तू राजा, बड़ा है राजा, शक्ल देखी है क्या अपनी? और तेरी शक्ल देखी है छिपकली, चल जा। जो होना था वो हो गया। राहुल सुनना, ये बात स्कूल में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, पर तू भी किसी को नहीं बताएगी, बोल। हाँ हाँ पक्का। और हाँ
आज से ना तू मेरा दोस्त ना तू मेरा दुश्मन। अबे मुझे भी खुश होना। अरे मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। जा जा। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नहीं के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। ये मैं सोच क्या रहा हूँ? मंदिरा ये लड़की तो क्लास 11 की है ना? हाँ मिमी तराय। क्यों? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। तू जो छोटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो। 5 मिनट मिल मिमी, तू ये बुक पकड़ मैं भी आता हूँ। अचानक तूने मुझे क्यों बुलाया? तू उस मिमिता के साथ क्या कर रहा था? अरे वो मिमिता उसका एग्जाम है तो उसका कुछ हेल्प कर रहा था। पूरे स्कूल में बस तू ही हेल्प करने के लिए मिला है क्या? क्यों तुझे जलन हो रहा है? मुझे क्यों जलन होगी भला? हो भी सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था राहुल कि एक दिन मैं तुझे पसंद करूंगी। हाँ सेम, मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन मुझे छिपकली पसंद आएगा। तूने मुझे फिर से छिपकली बोला? अरे ये तो मैंने प्यार से बोला। तू जो छोटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है अपना। कोमलिका ये रो क्यों रही है? मंदिरा राहुल राखी से प्यार करता है। क्या? और राखी भी राहुल से प्यार करती है। पर ये तुझे कैसे पता चला? मैंने अभी जाते नहीं कहीं। कोमो पर राहुल से तो तू भी प्यार करती है ना? करती तो थी पर अब नहीं, क्योंकि अब मेरी दोस्त उससे प्यार करती है। मतलब? मतलब ये कि तुझे मेरी कसम, तू राखी और राहुल को कभी नहीं बोलेगी कि मैं भी राहुल से प्यार करती थी। ये तू क्या बोल रही है? मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ? लोग दोस्ती के लिए अपना जान तक कुर्बान कर सकते, मैं अपना प्यार नहीं दे कर सकती क्या? आज मुझे पता चला कोमू कि तू बहुत समझदार है और मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरी दोस्त है। मुझे प्रॉमिस कर रखी तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। आई प्रॉमिस। इश्क और दोस्ती मेरे दो जहान है, इश्क मेरा रूह तो दोस्ती मेरा ईमान है। इश्क पर फिदा कर दूं मैं पूरी अपनी जिंदगी, पर दोस्ती पर तो मेरा प्यार भी कुर्बान है। हे गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए एंड कमेंट करना भी मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। आई लव यू गाइस।